हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी कम विथ अ न्यू वीडियो ऑफ प्रमोट एंड द सिक्स सेम एग्जाम नोटिस। आज हम लोग सिक्स सेम एग्जाम नोटिस के बारे में बात करेंगे और प्रमोट के बारे में मैं बात करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पेशली फॉर सिक्स सेम। मैं सिक्स सेम का सारे MCQ चारों ब्रांच का, मेनली फॉर ब्रांच, ऐसे तो और भी ब्रांच है बट मेनली फॉर ब्रांच के जो MCQ है वो अपने टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा। वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा कि किस तरह के MCQ मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए अब बात करता हूँ। सबसे पहले सिक्स सेम एग्जाम नोटिस। आज सिक्स सेम का एग्जाम का नोटिस आ गया, उनके लिए गुड ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देम हु वेयर गिविंग द एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स सेम में इस बार कौन कौन एग्जाम दे रहे हैं? सिक्स सेम जो करंटली इस बार सिक्स सेम में पढ़ रहे हैं, वो जिनका पहले सिक्स सेम के न्यू सिलेबस के अनुसार कैरी पेपर है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सिक्स सेम ओल्ड सिलेबस के अनुसार कैरी पेपर है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फिर जो पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर इट मीन्स 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हो गया कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिक्स सेम और 8 सेम। अब फिर नैन क्लासेस जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर स्पेशल बात, और फिर प्रमोट टॉपिक। नैन क्लासेस सर और प्रमोट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नैन सर तो बोल दिए कि प्रमोट हो जाएंगे बट इसके चक्कर में 80% स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, परमानेंट का नोटिस आएगा ये कंफर्म है, बट सर आप डायरेक्ट जो है सर बोल देते हैं कि परमानेंट हो जाएंगे, आप लोग सेकंड सेम का प्राइस स्टार्ट कीजिए, ये मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा। आप लोग अपना अभी जिस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेम, फोर्थ सेम और फिफ्थ सेम, अपना सिलेबस कम्प्लीट कीजिए। कम से कम पहले आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई चालू कीजिएगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब तक थर्ड सेम और फर्स्ट सेम का तो सिलेबस 90% कम्प्लीट हो गया होगा, बट 80% स्टूडेंट जो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में होंगे उनका सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ होगा। सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं होगा, रिवीजन तो दूर की बात है, एक बार याद करना तो उनको दूर की बात है, सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं हुआ होगा। तो आप लोग अपना सिलेबस कम्प्लीट कीजिए। नैन क्लासेस सर जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए उनको, प्रमोट का नोटिस आएगा ये बात भी आप लोग कन्फर्म रखिए। ठीक है, बट आप लोग अपना अभी जो करंटली सेशन है, जो जिस सेशन में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिस सेमेस्टर में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे सिक्स सेम के बारे में। चलिए सिक्स सेम, जो सिक्स सेम है तो इनका जो मेन फोर ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये चारों ब्रांच का MCQ जो है पांचों पेपर का वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, और सारे MCQ का आंसर जो है वेनिस पब्लिकेशन बुक से लिया जाएगा, या फिर जो भी आपके डिप्लोमा पास कर चुके हैं उनसे अगर कुछ आंसर्स में गलती होगा तो उनको सही करके मेनली आपके लिए एक सही MCQ का पूरा जितना अब तक क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा MCQ को एक जगह लिख करके उनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिक्स सेम आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इसी तरह सिक्स सेम के साथ साथ फोर्थ सेम इफ़ एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड देन वी आर गोइंग टू अपलोड फोर्थ सेम ऑल द मेन फोर ब्रांचेस MCQ क्वेश्चन। बट अभी जो है सिक्स सेम का मैं जो MCQ है उसको मैं अपलोड कर दूंगा कि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। आप लोग इसको एज एग्ज़ाम की तरह से सिर्फ रिवीजन करने के लिए आप लोग जब लास्ट मिनट में रिवीजन कीजिएगा सारे MCQ का कि कितना MCQ अब तक पूछा गया है उनके लिए, ये मेनली उसका काम करेगा और उसका क्या आंसर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लोग का MCQ बहुत सारा मैच करता है, इसलिए मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।